बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप लोग देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान जहाज़िब जमशेद। आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से। देखने वाले हमारे तमाम व्यूवर्स को दिल की गहराइयों से अदाब और रिस्पेक्ट। आज आप लोग को एक ऐसे सेटअप पे लेकर आए हैं जहाँ पे आपको आयाम समानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर इस सेटअप के जो ऑनर हैं, इनके पास अभी एट द टाइम 3 पेयर मौजूद हैं और कुछ चिक्स मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पे जो ऑनर हैं, इनका कहना यह है कि अगर आप इनसे चिक्स परचेज़ करते हैं तो इन फ्यूचर अगर आप लोग चाहें बेचना, सेल आउट करना, तो ये आपसे ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, ख़रीद भी लेंगे। इसके अलावा अगर आप एग परचेज़ करते हैं और वो एग है चूँकि चिक निकलता है और बड़ा हो जाता है और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सेल करते हैं, तो आप यहाँ के ऑनर को सेल भी कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एक आप लोग को ऑप्शन भी दिया है। तो ये ऑनर की जानिब इनसे मुलाकात करते हैं। तो हमारे साथ सेटअप के ऑनर मौजूद हैं, इनसे मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अपना तारुफ करा था हमारे व्यूवर्स के साथ। जी, मेरा नाम अजहर है और हम सामानी पे अभी काम कर रहे हैं। हम लोग एक्सपोर्ट की तरफ इनको लेके जा रहे हैं, मीट पर्पज़ के लिए, बट नहीं मीट जाएंगे। तो अभी इस पर ही वर्किंग चल रही है। जैसे हमारे से कोई ब्रीडर लेता है तो हम उसके चिक्स जो उनके पास जो हैच होंगे वो हम खुद बाय करेंगे, और अगर कोई चिक्स पे काम करना चाहता है हमारे साथ तो हम चिक्स पे भी काम करेंगे। हम वीक ओल्ड देते हैं, 2 मंथ ओल्ड देते हैं, 4 मंथ ओल्ड दे रहे हैं, इस तरीके से चिक्स पे भी काम कर रहे हैं। फिर वही चिक्स देने के बाद वो फिर वापस हम रिटर्न भी ले रहे हैं उनसे। अच्छा, तो ये बताएं कि आप आयाम समानी में कितने साल से काम कर रहे हैं, कितना तजर्बा आपका? तकरीबन ग्रे टंग में तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, ब्लैक टंग जब से आई है मार्केट में, फिर जब से इन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो अभी आपके पास कौन सी क्वालिटी मौजूद है? ब्लैक टंग समानी। ठीक है, ब्लैक टंग समानी आपके पास मौजूद है जी। ठीक है, अभी एट द टाइम आपके पास 3 पेयर हैं? 3 नहीं, मेरे पास 4 पेयर हैं, 6-9-7 फीमेल हैं और 1 मेल है। ठीक है, तो चिक्स वगैरह भी आपके पास मौजूद हैं? चिक्स वगैरह भी अवेलेबल होते हैं हमारे पास, जिसको जितनी क्वांटिटी में चाहिए मिल जाएंगे, मसला नहीं होगा। ठीक है, चलो मैं चाहूँगा आप व्यूवर्स को चिक्स भी दिखा दें, साथ साथ पहले पेयर दिखा दें। आ जाए जी जनाब, ये जो छोटी पेयर है ये चिक फीमेल है? फीमेल्स हैं दोनों। दोनों फीमेल हैं? दोनों फीमेल्स हैं, एगलिंग। अच्छा, एगलिंग पर जी। ठीक है, क्या प्राइस है इनके? ये अभी जो हम दे रहे हैं बर्ड वो 85,000 पर बर्ड दे रहे हैं। 85,000 पर बर्ड? 85,000। और इसमें कमी पेशी क्या होगी? इसमें कमी पेशी ये तो नहीं है, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि पूरा बिजनेस प्लान दे रहे हैं हम आगे लोगों को कि जब वो हमसे ब्रीडर्स लेंगे तो उनसे बिल्कुल फिक्स रेट पर हम उनसे जो चिक्स जो होंगे वो उनसे फिक्स रेट पर हम भी खुद बाय करेंगे, तो ब्रीडर्स भी हम बिल्कुल फिक्स रेट पर दे रहे हैं। ये है कि थोड़ी बहुत निगोशिएशन हो जाएगी, उसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये बताएं 85,000 के हिसाब से आपके पास कितने अभी पीस सेल आउट हो चुके हैं? मेरे पास 85,000 के हिसाब से कितने पीस सेल हो चुके हैं, मैं तकरीबन 30 से 40 पीस सेल कर चुका हूँ। 85,000 आप पर पीस दे पर रहे हैं। पीस जी। और अगर कोई पेयर लेगा तो? पेयर जो लेगा फिर वो तकरीबन ऐसी 170 का पेयर पड़ेगा। वैसे पेयर नहीं हम दे रहे हैं, ट्रायो सेट, फर्टिलिटी रेशियो उसका बिल्कुल सेट रहता है 1:2 का। ठीक है, तो ट्रायो की क्या डिमांड है? ट्रायो की जो ट्रायो लेगा हमसे वो तकरीबन 250 का दे देंगे हम बिल्कुल फाइनल। 2,50,000 का जी। ठीक है। अच्छा, वैसे मार्केट में भी आम सामानी कम प्राइस में मिल जाती है, आपके प्राइस इतना ज़्यादा कोई ख़ास हो जाए कुछ थोड़ा सा इसको इसके ऊपर रोशनी डालें? हम जो चीज़ हम जा रहे हैं अब एक्सपोर्ट की तरफ, इसको लेके जा रहे हैं कि हो सके तो सितंबर के एंड में इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट हो जाएगी। मीट पर्पज़ बर्ड्स नहीं होंगे तो मीट्स तो इंशाल्लाह एक्सपोर्ट हो ही जाएगा। तो हम पूरा बिजनेस प्लान दे रहे हैं, जब उनको दे रहे हैं बर्ड्स दे रहे हैं तो उनसे वापस चिक्स भी हम बिल्कुल फिक्स प्राइस में वापस ले रहे हैं। तो इस वजह से हम इनको ब्रीडर्स भी दे रहे हैं तो नॉर्मल रेट भी दे रहे हैं अभी, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑलरेडी महंगी हो रही है जिस तरीके का निज़ाम चल रहा है, तो एक्सपोर्ट भी महंगी हो रही है, पर हम लोगों को अभी भी पुराने वाले रेटों में 85 में ही दे रहे हैं। अच्छा, ये तो आपके अपने प्राइस हैं, अगर कोई हमारा व्यूवर चिक परचेस करता है और वो अपने प्राइस में आपको सेल करेगा तो क्या आप उनकी प्राइस में परचेस करेंगे? तो मतलब अभी वो अगर हमसे चिक्स लेगा और आगे अपने प्राइस में सेल, वो डिमांड करते हैं कि भाई मेरा चिक बड़ा हो गया मैं उसको 1.5 लाख का सेल करूँगा, तो आप 1.5 लाख का खरीदेंगे? 1.5 लाख में तो फिर ब्रीडर नहीं, क्योंकि आप बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये भी इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालना। तो 1.5 लाख में तो ब्रीडर नहीं ले लेंगे फिर हम, तो ये तो 1.5 लाख का तो ब्रीडर नहीं है तो चिक्स तो फिर मुश्किल हो जाएगा। का बताया जो ब्रीड कर रहा है उसके आपने बताया 2,50,000 रुपये, तो वो यही जो है ना जो हम लोगों को चिक्स जो हम दे रहे हैं ना वो फिर खुद बाय हम इसीलिए कर रहे हैं कि वो हम अपने रेट पे करेंगे, और जब हम अपने रेट पे बाय जब करेंगे तो उनको प्रॉफिट दे के करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो हम जो चीज़ दे रहे हैं उतने में ही वापस लेंगे, उनको प्रॉफिट देंगे और अच्छा प्रॉफिट देंगे। जैसे कि हम अभी दे रहे हैं वीक ओल्ड चिक दे रहे हैं 8,000 रुपये का, उनसे 30 डेज़ बाद जब हम वापस ले रहे हैं तो अभी 12,000 रुपये का ले रहे हैं, और मार्केट में इस टाइम पे 1 मंथ 3 मंथ ओल्ड चिक्स भी 15,000 रुपये का लोग बेच रहे हैं। अभी ये जो चिक्स हमारे व्यूवर्स देखे हैं इसके बारे में बताएं। ये अभी चिक्स दिए थे
तो ये हमने दिए थे 15 days old, तो ये एक महीने बाद हमारे पास वापस आए। ये हमने एक चिक उनसे बाय करा है 12,000 रुपये का खुद वापस, ये वो चिक्स हैं। अच्छा, 12,000 रुपये का आपने ख़रीदा, दिया कितने का था आपने? ये 8,000 रुपये का दिया था। 8,000 का दिया था आपने, 12,000 रुपये का ख़रीदा जी वापस। और इनको बड़ा होकर इनकी क्या प्राइस होगी फिर? तकरीबन ये बड़े हो के जब ये जाएंगे तो फिर ये हम लेके जा रहे हैं एक्सपोर्ट की तरफ। जैसे कि अभी अभी भी कोई लेना चाहे तो उसको हम 2 महीने का तकरीबन ये करके देंगे वैक्सीनेशन की करके, तो 2 महीने का जो होगा वो देंगे हम 20,000 रुपये का, और वापस लेंगे 27,000 रुपये का, 170। अच्छा ये बताएं कि अगर मीट के लिहाज से अगर इसको सेल आउट किया जाएगा तो मीट किस हिसाब से सेल आउट होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और मुझे ये भी बता दें कि मार्केट में इस वक्त पेयर की क्या प्राइस है? मार्केट में अभी जो पेयर की प्राइस है अभी हम जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 170 का, और अभी मीट रेट तो अभी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम खुद फर्स्ट टाइम ये एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अभी ओपन करना हमारे लिए खुद भी मुश्किल है। तो पेयर आप बता रहे हैं 175 का? 175 ये मार्केट प्राइस है? ये मार्केट नहीं है, हमारे अपने प्राइस है। और मार्केट क्या बताएं, मार्केट में क्या चल रहा है? मार्केट में जो आजकल जो चल रहा है, ब्रीडर भी अगर लेते हैं आप पर पीस, आपको अच्छे क्वालिटी में जो है वो तो बर्ड है नहीं किसी के पास, वो आपको मिलेंगे भी तो आपने देखे होंगे लोगों के पास, तो वो तकरीबन 70-75 में वो भी सेल कर रहे हैं, जो कि वो कोई बिजनेस प्लान नहीं दे रहे जी। नहीं पर पीस, पेयर तो नहीं पर पीस, वो 70-75,000 में लोग सेल कर रहे हैं अभी भी। अच्छा मुझे ये बताएं आपके, आप जो ख़रीदेंगे हमारे व्यूवर से, अगर जैसे हमारा व्यूवर को ख़रीदता है उनको 1 महीने का चेक हो जाता है ठीक है, और या 2 महीने का 3 महीने का, अगर मंथ के हिसाब से लगाया जाए तो आप कितने का परचेस करेंगे उनसे? तो जो हम जो दे रहे हैं वो वीक ओल्ड दे रहे हैं, मैंने बताया कि वीक ओल्ड दे रहे हैं तो 8,000 का दे रहे हैं, महीने बाद जब उनसे वापस ले रहे हैं तो वो ले रहे हैं 12,000 रुपये का। फिर जब सेकेंड स्टेप ये है कि जब हम 2 महीने का चेक उनको दे रहे हैं तो 28-20,000 का दे रहे हैं, 25-27,000 रुपये का ख़रीद रहे हैं, फिर वापस बाय बैक भी खुद ही कर रहे हैं। उसके बाद अगर कोई लेना चाहे 4 महीने का तो वो हम दे रहे हैं 30,000 रुपये का, और वापस जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं 40,000 रुपये का 6 मंथ ओल्ड। ठीक है। अच्छा ये सारी फीमेल्स हैं जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं? जी ये सारी फीमेल्स हैं और सारी एग लेंगे, और ये भी है तकरीबन इनमें से 4 फीमेल भी सोल्ड आउट हुई हुई हैं, इनके मेल्स अभी आएंगे तो फिर ये भी चली जाएंगी जी। तो सोल्ड आउट हुई हैं 4 फीमेल्स आप जी? अच्छा ये बताएं कि एक फीमेल आपने कितने की सोल्ड आउट किया? ये अभी 85 के हिसाब से दी हुई है। 85 के हिसाब से जी? ठीक है, 85 के हिसाब से आपने सेल आउट कर दिया जी। ये भी वही क्लाइंट हैं जिनसे हम चिक्स खुद बाय करेंगे। अच्छा ये बताएं कि ये जो अभी हम देख रहे हैं इनकी क्या एज है? ये तकरीबन 11 मंथ ओल्ड हैं तकरीबन जी। जनाब ये चिक्स हैं, ये बताएं कि इनकी क्या प्राइस है? ये अभी जो अगर किसी को चाहिए हो तो ये 2 मंथ तकरीबन 10-15 दिन बाद अवेलेबल हो जाएंगे, वो हम देंगे 18,000 रुपये का पर चिक 2 मंथ का। 2 महीने का आप 18,000 रुपये का देंगे? और ये बताएं 3 महीने का कितने का देंगे? 4 महीने का हम दे रहे हैं, 4 महीने का जो दे रहे हैं हम वो दे रहे हैं 30,000 का। अच्छा ये बताएं और 4 मंथ का अगर चिक्स होता है तो परचेजिंग की आपकी क्या प्राइस है? परचेजिंग जो हमारी प्राइस है 4 मंथ का 25,000। 25,000 आप परचेजिंग प्राइस है ठीक है। 2 महीने का आप 18,000 रुपये का दे रहे हैं जी। अच्छा ज़रा मुझे डिफरेंस ही बताना, डिफरेंस कितना प्राइस में? यानी अब वीक ओल्ड का अगर लेते हैं तो आपको 4,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा पर चिक पे, अगर 2 मंथ ओल्ड लेते हैं तो आपको 5-7,000 पर चिक आपको पड़ेगा प्रॉफिट, और अगर जैसे कि 4 मंथ-6 मंथ का लेते हैं तो 10,000 रुपये का पड़ेगा आपको प्रॉफिट पर चिक पे। अच्छा ये बताएं कि अगर कोई हमारा व्यूवर आपसे एग परचेस करता है और हैचिंग करवा के उनको 1 महीने की एज में या 2 महीने की एज में आपको सेल करता है तो वो कितने का आप परचेस करेंगे? एग्स का अभी हम सेल नहीं कर रहे क्योंकि इनका फर्टिलिटी रेशियो बहुत आता है, और फिर इसमें से कुछ जो चिक्स निकलते हैं वो क्रिपल्ड निकलते हैं, मतलब कि उनके पाँव सही नहीं होते, मतलब बहुत अक्सर होता है इनमें देखने में ऐसा कि क्रिपल्ड निकलते हैं चिक्स इनके, तो एग्स तो हम नहीं दे रहे। जिनको ब्रीडर्स दे रहे हैं हम उनसे चिक्स जो वापस बाय करेंगे वो 4,500 पर चिक उनसे बाय करेंगे, बिल्कुल फिक्स है रेट जी। ये बताएं 1 वीक की बात कर रहा हूँ जी, 1 वीक तकरीबन 5 डेज ओल्ड चिक हम उनसे उठा लेंगे उनसे। 5 डेज ओल्ड कितने में परचेस करेंगे? 4,500 का। 4,500 एक वीक की एज का जी। अच्छा तो ये बताएं कि कितने टाइम के बाद आपके पास चिक्स अवेलेबल होंगे अगर हमारा व्यूवर परचेस करने में इंटरेस्टेड हो कोई? तकरीबन 20-30 डेज में चिक्स अवेलेबल हो जाते हैं ऑन बुकिंग जी। तो अगर ज़्यादा डिमांड आती तो आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ चंद ही चिक्स हैं अभी एट द टाइम। ये अभी शिपमेंट हमारी आई इसीलिए रही है कि क्योंकि हम लोग मार्केट में तो बोल रहे हैं कि रेट नहीं है, तो अभी हम लोगों से चूज़े मांग के थके हुए हैं कि लाओ हमें चूज़े दो, तो किसी के पास चूज़े देने के लिए नहीं है, तो ये मसला है, तो इस वजह से हम अपनी खुद अभी शिपमेंट अभी हमारी आ रही है जी। इसके अलावा क्या बता रहे थे आप हमारे व्यूवर्स को?
जी, तो यही सारा है कि एक्सपोर्ट की तरफ हम जब जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर सब हर बंदे को लेके चलेंगे अपने साथ, जिनको ब्रीडर्स भी दे रहे हैं उनसे चिक्स भी लेंगे। अगर कोई चिक्स पे काम करना चाहे तो हम उनसे चिक्स पे भी काम करेंगे, कोई मसला वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वांटिटी में आपको सेल आउट करेगा तो आप क्वांटिटी परचेस कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे कोई अगर आपके आपको 30 पीस 40 पीस अपने प्राइस में सेल आउट करें, मतलब अपने प्राइस में हमें सामने जब हम अपना सेटअप कर रहे हैं तो हम अपने प्राइस से लेंगे, क्यों अपने प्राइस से वो कैसे सेल करेगा। अभी मार्केट में वी कोल्ड चिक कोई तो अव्वल तो कोई लेने को तैयार ही नहीं है, तो वो अपने रेट क्या देगा, वो 1000-1500 में सेल करेगा अगर अपने में करेगा मजबूरन। तो उससे बेहतर ये नहीं है कि आप हमारे साथ ही काम कर लें, 4500 रुपये में तो कम अज़ कम हम ले लेंगे। अभी एट द टाइम 4 चिक्स अवेलेबल हैं आपके पास? ये भी अभी मेरे पास आए हुए हैं, जिनको दिए हुए थे कराची में ही हैं, एक उनको दिए हुए थे तो 5 चूज़े दिए थे, 1 चूज़ा उनका एक्सपायर हो गया तो 4 चूज़े बचे तो उन्होंने वापस ये करें। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई हमारा व्यूवर जो इस वक्त इसी क्वालिटी के अंदर काम कर रहा हो तो अगर कोई सेल आउट करना चाहे तो आप कितनी तादाद के अंदर परचेज़ कर सकते हैं? उनके पास जितने भी चिक्स हैं वो हमें बता दें, कोई मसला नहीं है। अभी मैंने पूछा था लोगों से, बहुत लोगों से मैंने पूछा तो कोई चिक्स लोग बोल रहे हैं हैच ही नहीं हो रहे, जिनके पास हैच हो रहे हैं वो उनके जो खुद के क्लाइंट हैं उनको वो दे रहे हैं, तो हमें तो अव्वल तो मिल नहीं रहा। अगर किसी के पास है तो लाजमी कॉन्टेक्ट करें। ठीक है, अगर किसी के पास चिक्स हैं तो आपसे रब्ता करें, आप इंशाल्लाह ख़रीद लेंगे उनसे। जी बिल्कुल जी। इसके अलावा मुझे ये भी बता दें लास्ट में आपसे एक ही क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि आप इसके अंदर कारोबार करें तो कारोबार के लिहाज से ये कैसा कारोबार है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं व्यूअर्स को। कारोबार अच्छा है, बस ये लाइव स्टॉक है, जान का कुछ पता नहीं होता, जो नुकसान बर्दाश्त कर सकता है थोड़ा बहुत तो वो आए तो ज़्यादा बेहतर है। असल में कुछ लोग नए नए आते हैं और नुकसान कर देते हैं, पता नहीं होता फिर तो फिर वो आगे से फिर कमेंट भी करते हैं। चाहूँगा कि आप उनको गाइडेंस दे देगा, ठीक है, समझा देगा, कोई शॉक करता है तो आप उनको गाइडलाइन दे देगा। बिल्कुल गाइडलाइन देंगे। इसके लिए आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें हमारे व्यूअर्स के साथ। कॉन्टैक्ट नंबर है 03102057069। अच्छा, आपने जितने भी यहाँ पे चिक्स दिखाएँ, बड़ी फेमस दिखाएँ, पेयर्स दिखाएँ, जो आपने प्राइस बताया उसमें कितना आप कॉपरेट कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ? वो तो जो भी होगा वो फिर देख लेंगे, अगर हमारे पास से जो भी हो सकेगा हम खुद कर लेंगे, कोई मसला नहीं है अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है तो। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर व्यूवर्स कांटेक्ट करेंगे, ख़रीदना चाहेंगे तो आप कमी पेशी करेंगे, उनको रीजनेबल प्राइस में देंगे। जी जी बिल्कुल, अगर कोई कांटेक्ट करेगा तो लाजमी देंगे, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। तो व्यूवर्स, आज हम एक आयाम समानी के सेटअप पे आए थे, जो कि ब्लैक टंग वाली आयाम समानी है, और यहाँ पर उन्होंने 1 महीने 2 महीने 3 महीने के जो चिक्स थे उनकी प्राइस भी बताई। आप हमें फीडबैक में लाजमी बताइएगा आपको प्राइस कैसी लगी, कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेटेस्ट सेटअप का विज़िट पसंद आएगा। इसी तरीके से हम लोग जाते रहेंगे, दीगर सेटअप में कवरेज करेंगे, आपके खिदमत में वीडियोज़ पेश करते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ आप तमाम व्यूअर्स से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।